अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। दोस्तों, शबे बरात एक मुकद्दस रात है और इस रात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों का नुज़ूल होता है। ये बरकत वाली रात है। इन बरकत वाली रातों में अल्लाह ताला की तरफ से मग़फ़िरत की जाती है। लेकिन हदीसों में आता है कि बाज़ ऐसे गुनहगार भी है कि इन बरकत वाली रातों में भी उनके गुनाह माफ़ नहीं होते। वो छह आदमी हैं। एक तो शिर्क करने वाला, जो अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक ठहराता हो। दूसरा, अपने दिल में कीना रखने वाला, कीना के किसी मुसलमान के मुतालिक अपने दिल में कीना रखता हो, तो उसकी भी मग़फ़िरत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रात में नहीं करते, उसकी भी मग़फ़िरत नहीं होती। दोस्तों, तीसरा वो शख्स जो आपस में क़त्अ ताल्लुक़ करने वाला हो। आजकल एक मुसीबत हम में आम हो गई है, हमारे मुआशरे में आपस के ताल्लुकात ख़राब होते हैं। दो आपस में लड़ने वाले जिन्होंने आपस में सुलह न की हो, क़त्अ ताल्लुक़ रखने वाले भी उसी में आ जाते हैं। तो आजकल हमारे माशरे में ये वबा भी बहुत आम होती जा रही कि गैर तो गैर अपने रिश्तेदारों में भी इतनी ज़्यादा आपस में इतनी नफ़रत और इतना ज़्यादा क़त्अ ताल्लुक़ हो जाता है कि भाई भाई के साथ, करीबी रिश्तेदार के साथ बोलने के लिए तैयार नहीं। ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। ऐसे मुबारक रातों से फ़ायदा उठाकर उन ताल्लुकात को ठीक करने की कोशिश की जाए, वरना इतनी मुबारक रातों में भी उन लोगों के गुनाह माफ़ नहीं होते, उनकी भी मग़फ़िरत इस रात के अंदर नहीं होती। कितनी अफसोस की बात है, कितनी मुक़द्दस रात गुज़र रही है और हमारे गुनाह माफ़ ना हो, सोचने का मकाम। चौथा वो शख्स जो शराब पीता हो, जो शराब का आदी हो, उसकी भी इस रात के अंदर मग़फ़िरत नहीं होती है, उसकी भी गुनाहों की मग़फ़िरत नहीं होती। पांचवा, एहसान करके जतलाने वाला। एक बीमारी हमारे मुआशरे में ये भी है कि किसी के साथ कोई एहसान किया हो तो वो चाहता है कि जिसके साथ एहसान किया है वो मेरा ग़ुलाम बन कर रहे। ज़र्रा बराबर भी उसके मिजाज के ख़िलाफ़ कुछ हुआ तो कहेंगे, अरे यार, इतने दिनों से इसके साथ मैं एहसान कर रहा हूँ और उसने क्या सिला दिया। अरे, ये सब कुछ तो अल्लाह ताला से सवाब हासिल करने के लिए किया था ना, सिला हासिल करने के लिए किया था, तुम उससे क्यों तवक्को रखते हो। बहरहाल, एहसान करके जतलाने वाला भी इस रात में उसकी भी मग़फ़िरत नहीं होती। इन मुबारक रात के अंदर और अज़ीम रात के अंदर, मुक़द्दस रात के अंदर एहसान करके जतलाने वाले की भी मग़फ़िरत नहीं होती। छठा शख्स, टखनों से नीचे इज़ार लटकाने वाला, टखने से नीचे लुंगी कुर्ता पजामा रखने वाला। आजकल लंबे अरबी कुर्ते भी लोगों को पहनने का शौक़ होता है, जो टखने से नीचे तक चले जाते हैं। कुर्ता हो तो भी, पैजामा हो, पतलून हो, लुंगी हो तो भी टखने ढक ही जाते हैं। इस तरह अगर कोई शख्स पहनता है तो उसकी भी इस रात के अंदर मग़फ़िरत नहीं होती। इतनी मुक़द्दस रात और रहमतों बरकतों वाली रात के अंदर भी उस शख्स की मग़फ़िरत नहीं होती। टखना ढाकने वाला मर्ज जो है वो भी हमारे मुआशरे के अंदर बढ़ता चला जा रहा है, जवानों के अंदर ख़ास तौर से। इसलिए इससे अपने आप को बचाए रखे, इससे परहेज़ करें। ये छह लोग हैं जिनकी शबे बरात में भी मग़फ़िरत नहीं होती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हिफाजत फरमाए। दोस्तों अज़ीज़ो, इस वीडियो के मुतालिक आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने घर वालों का खूब ख्याल रखें। हमें भी दुआओं में याद फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और अपनी राय का इजहार कमेंट में जरूर करें।